क्या आप भी कभी कोई बहुत ही अच्छी स्पीच सुन रहे हैं या कोई बहुत ही बेहतरीन बुक पढ़ रहे हैं या बहुत ही कंपेलिंग मूवी देखते हैं और आप खो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे हैं या कितना टाइम बीत गया? ये होता है स्टोरी टेलिंग का हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफेक्ट। और इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ऐसे इफेक्ट बताने वाला हूँ जो एक अच्छी स्टोरी टेलिंग आपके ऊपर करती है। उसके अलावा एक हमारा एक अमेजिंग इवेंट अनलीश 2023 होने वाला है 3 जुलाई को, बट उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो इससे पहले कि हम जो अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं उसकी बात करें, पहले बात करते हैं कि क्या होता है जब आप एक कोई बहुत ही अच्छा नैरेटिव, बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं। उस टाइम पे हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां पे हमारा अटेंशन एंड फोकस हाईएस्ट होता है, और हाइटेंड होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में। एंड ऐसा होता है बिकॉज हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि डोपामिन, जैसा कि ऑक्सीटोसिन, जैसा कि इंडोर्फिन। ये जो न्यूरोकेमिकल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा इमोशनल और कॉग्निटिव जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और हम कम्प्लीटली फोकस, कम्प्लीट अटेंशन दे रहे होते हैं। तो ये था कुछ न्यूरोकेमिकल लेवल का। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है साइकोलॉजिकली एंड कॉग्निटिवली जिससे स्टोरी टेलिंग हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज 5 इफेक्ट्स। सो पहला जो फिनोमेना, पहला जो इफेक्ट है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इमोशनल रेजोनेंस। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मूवी में बहुत ही इमोशनल सीन आया हो और आपकी आंखों में नमी आ गई हो, या आप हिस्टेरिकली हंस रहे हैं जब भी कोई फनी सीन आ गया है? जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जिसको कहते हैं इमोशनल रेजोनेंस का पार्ट, जहाँ पे बेसिकली आपके अंदर का जो इमोशन है और जो मूवी या फिर जो बुक या जो स्पीच जो इमोशन एलिसिट कर जाती है वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। एंड जब ऐसा होता है तो आपके अंदर एम्पैथी आ जाती है, आपके अंदर वो कैरेक्टर से कनेक्शन रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, पहले जो शक्तिमान होता था उसको लेके बच्चे बहुत ही पागल होते थे। व्हाट वाज दैट? दैट वाज इमोशनल रेजोनेंस। तो जब आप एक बहुत ही अच्छी इमोशनल स्टोरी करते हैं तो आपका जो ऑडियंस है वो आपके साथ रेजोनेट करता है इमोशनल लेवल पर। सो दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट स्टोरी टेलिंग हैज एट द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लेवल। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सो जो दूसरा इफेक्ट होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। तो मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि ना सिर्फ उस टाइम पे फायर होते हैं जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, बट उस टाइम पे भी फायर होते हैं जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सेम काम करते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका भी हैंड्स, आपका भी लेग्स उस टाइप का होने लगता है। अगर आप ड्राइवर हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यू विल ऑल्सो फील लाइक कि अच्छा अभी ब्रेक प्रेस करना है या अभी एक्सीलेटर प्रेस करना है या यहाँ पे गियर चेंज होना चाहिए था। तो दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब आप एक बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही इमोशनल स्टोरी के साथ, बहुत ही कैप्टिवेटिंग स्टोरी सुन रहे होते हैं, आपके अंदर का मिरर न्यूरॉन भी एक्टिवेट हो जाता है। एंड इसके कारण कई बार आप भी वही इमोशंस फील करते हैं जो उस कैरेक्टर को फील करना होता है, कि आप वो खुश हो जाते हैं जब वो कैरेक्टर खुश है, आप दुखी हो जाते हैं, आपको डर लगने लगता है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं। सो दैट इज द सेकेंड इफेक्ट स्टोरी टेलिंग हैज वेयर इट एक्टिवेट्स योर मिरर न्यूरॉन्स। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इफेक्ट। सो तीसरा इफेक्ट है विच इज कॉल्ड स्टिमुलेशन ऑफ इमेजिनेशन। आप चीजों को इमेजिन करने लगते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही विविड, बहुत ही अच्छे से कोई सीन एक्सप्लेन कर रहा है तो हो सकता है वो सारी चीजें ना बताएं, बट आपका ब्रेन, बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स इन पिक्चर्स, वो भी चीजें इमेजिन कर लेता है जो कि उस नरेशन में, उस स्टोरी टेलिंग में ना हो। हमेशा नहीं होता है, इट हैपेंस ओनली व्हेन यू आर टेलिंग सम कैप्टिवेटिंग स्टोरी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं उस रोड पे जा रहा था, वहाँ पे सुनसान था और सिर्फ 2 गाड़ियां मेरी आगे थी, इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे 2 गाड़ियां थी, मैंने आपको कलर नहीं बताया, बट मे बी पॉसिबल कि आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्लू गाड़ी थी, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक गाड़ी थी, कुछ लोग सोच रहे होंगे रेड गाड़ी थी। सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन ऑफ इमेजिनेशन, जहाँ पे स्टोरी टेलर आपको सारी चीजें नहीं बताता है, बट आपका ब्रेन, क्योंकि वो इमेजिन करता है एज पिक्चर्स, वो बाकी पेंट खुद ही कर लेता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना दैट हैपेंस व्हेन यू आर एंगेज्ड इन कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग। अब बात करते हैं चौथे की, सेकेंड लास्ट। तो जो चौथा है और जो सेकेंड लास्ट जिसको मैं कहने वाला हूँ इस वीडियो में, दैट इज द इम्पैक्ट ऑन मेमोरी। ऐसा कई सारे रिसर्च हुए हैं, कई सारे स्टडीज हुए हैं जिसमें ये प्रूव हुआ है कि हमारा ब्रेन स्टोरीज को याद करने में वे मोर इफेक्टिव है देन की फैक्ट्स और नंबर्स एंड ऑल। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि यू आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर, कि अगर आपको कोई फैक्ट की जगह पे अगर आपको कोई स्टोरी बताई जाए उस फैक्ट के साथ, आप 7
टाइम्स, सेवन टाइम्स यू आर मोर लाइकली टू रिमेंबर दैट, एंड दैट इज द रीजन. अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि आप बचपन की कोई कहानी बताओ, तो यू विल हैव स्टोरी ऑन योर फिंगर टिप्स. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्लास थ्री में चौथा चैप्टर इंग्लिश का क्या था, शायद आपको नहीं याद होगा. बट अगर आपसे पूछूं कि वो कौन सी ऐसी स्टोरी थी जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस की थी, बहुत ज्यादा अफेक्ट की थी, तो शायद आपको याद होगा. सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग ऑन योर मेमोरी. अगर आप इफेक्टिव स्टोरी बोलते हैं तो आपकी मेमोरी में वो डायरेक्टली जाके रजिस्टर होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए रजिस्टर जाता है. सो दैट वॉज अवर सेकेंड लास्ट और फोर्थ इफेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन योर साइकोलॉजी, ऑन योर ब्रेन. लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ एंड द फाइनल वन. सो जो पांचवा और फाइनल इम्पैक्ट मैं बताने वाला हूँ वो है लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल बेनिफिट. सो रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि जब आप इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये टेम्पररीली आपका दिमाग आपकी करंट प्रॉब्लम से, आपकी करंट स्ट्रेस से दूर कर देता है. एंड दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म पे अगर आप अच्छी स्टोरी टेलिंग में इन्वॉल्व हैं, अच्छी स्टोरी टेलिंग कंज्यूम कर रहे हैं, इट कैन लोअर योर स्ट्रेस लेवल, इट कैन इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ, एंड इट कैन एक्चुअली इनहेंस योर ओवरऑल वेलबींग. सो ये थे हमारे पांच साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट स्टोरी टेलिंग हैज. नंबर वन, इट कैन हेल्प यू ब्रिंग दैट इमोशनल रेजोनेंस, जहां पे आपका इमोशनल लेवल पे रेजोनेंस हो जाता है. सेकेंड इज, इट्स एक्टिवेट्स योर मिरर न्यूरॉन, सो यू कैन फील एंड थिंक एंड डू थिंग्स लाइक योर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. इट कैन स्टिमुलेट योर इमेजिनेशन, वेर यू कैन इमेजिन थिंग्स जो कि बताया भी नहीं जाता, बट योर ब्रेन कैन पेंट अ पिक्चर. यू कैन ऑल्सो इनहेंस योर मेमोरी यूजिंग स्टोरी टेलिंग, एंड इट कैन ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर मेंटल वेलबींग. सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे. टाइप इन द कॉमेंट्स विच वन यू फाउंड मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट fascinating so far. Now let's talk about Unleashed 2023. I'm so excited to talk about this event that we're planning on the coming Monday, that is 3rd of July. If you're watching it afterwards, I'm sorry, but this event is on 3rd of July 2023 from 8:30 PM Indian Standard Time. It's going to be about 2 hours of event jahan pe hum बहुत सारा लाइव स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं, बहुत सारे की नोट स्पीचेस करने वाले हैं, बहुत सारे नगेट्स ऑफ विजडम देने वाले हैं, एंड इट्स गोना रियली इग्नाइट योर क्रिएटिव स्पार्क. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट, एंड आई होप एंड प्रे दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन टाइम. सो प्लीज ज्वाइन द इवेंट. द रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कॉमेंट्स. डू रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एंड एज आई से एवरी टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'm going to see you in the next video.